फुल वाइट करो, वाइट वो लाइट हमारा ना रिफ्लेक्ट। एक बस काटू ये वाला लो, थोड़ा सा इधर से लोगे तो नहीं आएगा। फेस कट रहा है, फेस बस इस पे आ जाओ। क्लोज करो, ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं क्लोज करो, क्या
हाय गाइस हाय हेलो इतना सब कुछ हो रहा है एक साथ और ये बिल्कुल मुझे लग रहा है एक नई इंडस्ट्री नई दुनिया खड़ी करने जा रहे हैं आप हाउ यू गॉट दिस आईडिया एंड हाउ यू इनिशिएटेड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है और बहुत कंफर्ट जोन है मेरा ये हमेशा यही करते आया हूँ तो एक ये कह सकते कि ये एक दूसरा पड़ाव है और इट्स ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यू नो किसी भी आई थिंक किसी भी म्यूजिशियन आर्टिस्ट का ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है ऐसा ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वेरी एक्साइटेड इंडस्ट्री का तो नहीं पता लेकिन हाँ कोशिश ये रहेगी कि अच्छा म्यूज़िक आप तक आप सब तक पहुंचा सकें और यही कोशिश है इतना चैलेंजिंग रहा जो मैं बात करता हूँ इतने इतने सारे लोगों को एक साथ लेके आना अलग अलग वीडियो भी शूट करना इतना चैलेंजिंग रहा है सब कुछ करना बहुत मतलब आपको मैं बता दूँ कि हम लोग ये जितना आप देख रहे हैं अभी इसकी तैयारी हम लोग मार्च से कर रहे हैं और मार्च से यू नो चलता जा रहा है गाने अभी तो हम लोगों ने 4 गाने रिलीज़ किए हैं हम लोग 6 महीने तक रेडी हैं 6 महीने तक हम लोग कंटेंट रेडी मतलब ऑलरेडी शूट कर चुके हैं सब कुछ रेडी है तो इसमें काफ़ी कुछ यही था कि यार यहाँ पर सिर्फ ऐसा जॉब नहीं था कि सिर्फ मुझे गाने बनाने बहुत कुछ देखना था एक ही वक्त पे एक ही टाइम पे तो उसी में बिजी था यार काम करता जा रहा था और घबरा भी रहा था क्योंकि यू नो प्रोडक्शन पे आना ऐसे प्रोड्यूसर आना वो एक नई बात थी बट ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग ने किया मुझे ऐसा लगता है देखिए गलतियां सबसे होती हैं लेकिन गलती कर करके ही आदमी सीखता है और मेरा लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहा इस दौरान पे काफ़ी कुछ सीखा मैंने लेबल का नाम लेबल मिस्टर म्यूजिक ये इसका सुझाव था कि नाम ये रखना है और ये लेबल देना है ये सुझाव एक्चुअली जो मेरे साथ है ये सुझाव उनका था तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा मिस्ड मतलब क्या रीज़न है तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे गाने ही जब सुनते तो वो मिस्ड फील आता है तो मिस्ड म्यूजिक रखते हैं अच्छा जैसे आपने कहा कि आपके गाने सुनते ही मिश्री तुम हर गाने के यू नो कहीं ना कहीं नजर आते हैं आप मैं देख रहा हूँ कहीं पे भी नहीं आप क्या वजह रही कि आप खुद नजर नहीं आए कवर पे कहीं पे भी मैं नहीं देख रहा हूँ हाँ आई थिंक नज़र इसमें ऑफकोर्स मैं नहीं आया हूँ ये जॉनर भी अलग है आप अगर देखें तो ये पार्टी सॉन्ग है सब ये डिसीजन मिला जुला डिसीजन था कि मुझे कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है तो आई थिंक इसमें मैं ही नहीं गया मुझे लगा यार बाद में आऊँगा थोड़ा मैं अपने आप को और पतला उतला कर लूँ कोशिश जारी है उसके बाद मैं आऊँगा फिटनेस पे ध्यान तो है ऑलरेडी चल रहा है लेकिन मैं पिछले 2 महीने से बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ तो चीज़ें यू नो बहुत चीज़ें हाथ में नहीं है बट दिसंबर ख़त्म होते होते थोड़ी ट्रैवलिंग कम होगी मैं और मैं मुंबई में रहूँगा फिटनेस पे ध्यान है और ज़्यादा ध्यान देना है ताकि अगर मैं कर ही रहा हूँ तो मैं और जितना खूबसूरत कर सकता हूँ जितना और डेडिकेशन के साथ कर सकता हूँ मैं वैसा क्यों ना करूँ तो अभी वो हो गया मतलब जो किया था वो हो गया अभी मैं और यू नो चीज़ों को और अच्छे से ख्याल रखूँगा सर एक सेकंड यहाँ पे भी यहाँ पे
ये जो आपने सवाल पूछा था ना इनसे इनसे ये जो देखिए आप सवाल पूछा था आपने ना, ये हमारे जो भाई हैं इनके साथ मैंने मार्च में शुरू किया था और अंशु मिश्रा इनकी वाइफ हैं, भाभी है हमारी, तो इन्होंने यू नो अपनी वाइफ के नाम पे सब कुछ करने की कोशिश की। सेंटेंस गलत है। नहीं नहीं, इन्होंने मेरे साथ नहीं शुरू किया था भाई, मैंने इनके साथ शुरू किया था। आप सोच सकते हो म्यूजिक में कोई अंकित तिवारी किसी के साथ शुरू करेगा क्या? नहीं, नहीं। मैंने अंकित तिवारी के साथ शुरू किया, साथ में शुरू किया है और नहीं नहीं टचवुड बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू। लेकिन भाई मुझे मौका मिला म्यूजिक समझने का आपके साथ, आप मेरे साथ शुरू करोगे महाराज? क्या बात कर रहे हैं। थैंक यू। अंकित भाई इधर रखिए थोड़ा सा, इधर थोड़ी सी आ जाएगा क्या?
मनीष ने मुझे इंस्पायर किया नहीं, एक्चुअली आप हमेशा ना लाइफ में उसी चीज़ पे खेलते हैं जो आपकी एसेट हो। अंकित भाई हमेशा से मेरे लिए भाई जैसे हैं और वो मेरे लिए हमेशा पर्सनल लेवल पे भी एक एसेट रहे हैं, तो उसी एसेट के ऊपर खेलना था। तो जब कुछ प्रोफेशनली कुछ नया करने का मन था तो अंकित भाई हमेशा साथ खड़े थे। हम लोग कुछ मूवीज़ भी साथ में कर रहे हैं और उसके बाद जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने फिर एक म्यूज़िक चैनल का सोचा। और मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि इस पूरे वेंचर को लेके जो सपोर्ट अंकित भाई का रहा है ना, तो क्रेडिट्स बिना सब अंकित भाई को जाते हैं। हम लोगों को इंस्पायर किया एक्चुअली अंकित भाई ने, अंकित भाई के म्यूज़िक ने, कि हाँ बहुत कुछ है जो किया जा सकता है और जिसको इंजॉय हम बचपन से करते आए हैं। जब हम लोगों की शादी हुए कुछ ही साल हुए थे तब से अंकित भाई के गाने सुनते हैं, तो अब अंकित भाई के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो छोड़ना पसंद नहीं किया, इसीलिए समझ लीजिए कि मिस म्यूज़िक खड़ा। अभी जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी कितनी यादें ताज़ा होती हैं, सर ने कहा कि भाई शादी हुई थी और आज आप उनके साथ हैं, वन ऑफ द पार्टनर होंगे, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, गौरव की बात है, बोलिए, टेक योर टाइम। एक्चुअली मनीष थोड़े रोमांटिक टाइप हैं तो म्यूज़िक और ये सब इनकी चॉइस है और अंकित भैया का सपोर्ट मिला हम लोगों को और बस चीज़ें होती चली गई, ऊपर वाले की इच्छा थी और सब चीज़ें इजीली होती चली गई। एक्चुअली क्या कहना चाहेंगे आप उन ऑडियंस से जो ऑडियंस है, सबको क्योंकि सब कुछ आउट है, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? देखिए ऑडियंस को मैं कोई मैसेज दूँ इसका कि मतलब ही नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है, जितना प्यार आपने अंकित भाई को, म्यूज़िक को, रोमांटिक गानों को, इस हिंदी के प्यार भरे म्यूज़िक को दिया है ना, उतना ही कंटिन्यू रखिएगा, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि इसके बाद मेरा प्रॉमिस है ऑन बिहाफ ऑफ मिस म्यूज़िक कि जो हमारी डिलीवरी होगी ना वो इतनी शानदार ज़रूर होगी कि आप लोग इन्जॉय कर पाएँ। बस इतना प्यार जितना प्यार आज तक बनाए रखा है उतना ही प्यार आगे बनाए रखिएगा, म्यूज़िक पे भी, अंकित पे भी और बाकी सब चीज़ों पे। डिलीवरी की गारंटी हमारी है कि आप हर एक गाने के साथ, हर एक नए ऑडियो के साथ, हर एक नए वीडियो के साथ मजबूर हो जाएंगे उसी चीज़ को 10 बार, 20 बार, 50 बार सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। साहब लग गए फाइनली, बहुत जिसके टाइम के हिसाब से चल रहे हो ना, आप वो बोलो, खुद ही नहीं आई है के साथ। अच्छा यार, हाँ या सेम यार, I had to come here, you know, it was like definitely, you can see the poster, missed me, so I had to be here. आप लोगों ने गाना सुना है? नहीं सुना है सब तक? हम लोग गाना नहीं सुन रहे हैं। अरे यार अभी तक बजाया नहीं आपने गाना, यहाँ पे गाना बजवाना चाहिए था यार। कैसा एक्सपीरियंस रहा? टेल सी, गाना बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा डांस वाला है एंड मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा, पंजाबी टच था, एक कमर्शियल टच था, सो इट वॉज फन टू एक्चुअली शूट विद प्रिंस एंड प्रिंस के साथ में मैंने शूट किया था एंड ऑफकोर्स इशिता, सो
ओवरऑल आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए, आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा, बट मुझे तो पसंद आया डेफिनेटली। हाँ जी हाँ जी, सी अंकित तिवारी इज़ ऑलरेडी अ बिग नेम, इज़ अ ह्यूज नेम एनी व्हिच वे इन द मार्केट एंड सभी उनके इतने फैंस हैं और उन्होंने अब म्यूज़िक लेबल किया है तो आई थिंक बनता है उनका, बिकॉज म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन्होंने इतना अच्छा करा है, फिर म्यूज़िक का एक लेबल लेके आए हैं तो आई एम श्योर जैसे सिंगिंग में झंडे गाड़े वैसे यहाँ भी झंडे गाड़ेंगे। मेरे लिए क्या चैलेंजिंग था, आई थिंक मैं डांस में अच्छा हूँ तो मुझे इतना चैलेंजिंग लगा नहीं, क्योंकि डांस मुझे आता है और डांसिंग सॉन्ग था सो इतना चैलेंजिंग नहीं था मेरे लिए। थैंक यू गाइस। बहुत अच्छा है म्यूजिक के लिए तो आई एम ऑलवेज देयर एंड आई हैव कम फॉर अ फ्रेंड तो टू विश हिम द बेस्ट एंड एक अच्छा इनिशिएटिव है तो आई जस्ट होप कि सक्सीड्स इन इट एंड वी विल बी डूइंग समथिंग वेरी वेरी शॉर्टली विच विल बी अगेन समथिंग विच विल बी पाथ ब्रेकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड सो एंड आई नो ही इज अ वेरी पैशनेट मेकर सो Let's hope something nice comes out of it and काफ़ी अच्छा initiative है to launch a music label. So I'm here to wish him the best. Thank you, sir. हाँ मैं बधाई देना चाहता हूँ मनीष भाई को और मिस म्यूज़िक की पूरी टीम को, अंकित को, और अच्छे अच्छे गाने ले आए, हम लोग सुनना चाहते हैं अच्छे अच्छे गाने। बिल्कुल अच्छे अच्छे गाने। तारीफ, सिर्फ तारीफ करनी है। मैं अंकित को ही पकड़ लेता हूँ। क्या अलग कर रहा है, आप लग रहा है कितना ये चीज जुदा करती है? सी एज अ सिंगर ही इज फैंटास्टिक, आई नो द बॉय। बिल्कुल आवाज ही अलग है, आवाज ही अलग है, जुदा करता है। हां एज ए ह्यूमन बीइंग क्या अलग, इंसान मतलब आपको क्या लग रहा है? मुझसे क्यों सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं? ही इज वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल पर्सन। थैंक्स यार, थैंक यू। तो एक अलग लेवल को इस तरह से लेके आना है, दैट टू अ सिंगर लाइक यू नो तिवारी, जब एक लेवल लेके आ रहे हैं वो डिजिटल माध्यम कितना पावरफुल हो गया आपको पता है, क्या मानते हैं कि ये शुरुआत बहुत पहले हुई थी? अब मुझे लगता है जो चीज़ जब शुरू हो वही सही है, तो ये आज का दिन और ये घड़ी ये शुभ है, ये मान के यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सुनने को मिलेगा अच्छा अच्छा, है ना? 100% यार, 100% सुनने को मिलेगा। थैंक यू, कोशिश तो हमारी यही रहेगी, बट थैंक यू सो मच। Thank you.
थैंक यू आई थिंक इट्स ह्यूज आई मीन इट्स ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड दिस सॉन्ग पर्टिकुलरली वो सो मच फन टू डू हमने शूट एक दिन में किया था इन चंडीगढ़ एंड एवरी वन ऑन सेट एक्चुअली हैड फन सो इट वॉजन लाइक वर्क 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 वी वर एक्चुअली हैविंग फन एंड द सॉन्ग इज सो लाइक पेपी एंड इट्स सो लूप पे सुन सकते हो इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस Oh, definitely. But I mean, we have all huge names. Ankit Tiwari is a huge name. So it's not like a start. But Mint Music's going to do amazingly well. So I'm hoping the best for them. What's the most challenging part of all working on? Sorry? I think the most challenging part for me was that I was shooting ek din pehle also for another music video with them. So I flew down the same day in the morning, then shot the entire day and then took a flight and came back. और मैं इतने हेक्टिक उसमें थी ऐसे भाग दौड़ में बट आई डेंट फील इट फॉर इवन अ सेकेंड कि ओ शिट बहुत प्रेशर है काम का बट दे मेड मी फील रियली रिलैक्स एंड लाइक द होल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू वॉज द बेस्ट थैंक यू आप ले लो बाइट में नहीं नहीं यहाँ रहो खड़े रहो तुम्हारा है ना नहीं मतलब मैं वही रिपीट करने वाला हूँ बात कोई नहीं हाय हाँ थैंक यू सो मच सॉरी आई कांट सी यू ऑल फ्रॉम लाइक इतनी जोर से लाइट है बट थैंक यू कितनी खुश हैं आप अंकित के लिए मैं बहुत खुश हूँ अंकित के लिए अंकित वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर तो है ही है बट अभी रिसेंटली मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं और बहुत खुशी होती है आपको जब आपका कोई दोस्त एक इंडस्ट्री में इस मुकाम पे पहुंचते हैं बहुत टैलेंटेड तो हैं ही एज ए सिंगर बट आज इनकी खुद की एक अपनी कंपनी है जहां पर ये बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस बनाएंगे और बहुत सारा लोगों को एंटरटेन करेंगे तो मैं बहुत खुश हूं इनके लिए स्पेशली आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज में जाती नहीं हूँ बट इनके लिए मुझे आना ही था इसके मैंने बुला लिया मैंने कहा आ जाओ बाकी एक्सक्यूजेस बाद में अंकित बताएगा इस बात के बारे एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं आज जब मेरी शमा से बात हो रही थी तो इस टॉपिक पे बात की हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पे बात की हम लोगों ने कि ऐसा ऐसा है और शमा कितने बजे आ रही है वो क्या टाइमिंग है तुम्हारी वो सब बातें कर रहे थे फिर अचानक से बात छिड़ी कि यार हम लोग को साथ में करना चाहिए ना अच्छा गाना करना चाहिए और यू नो विल प्लान वी शुड मीट फर्स्ट एंड विल प्लान वेरी इंटरेस्टिंग तो आपने क्या बोलते हैं उसको सोच हम रहे थे आपने और पुश कर दिया उसको तो बहुत अभी जल्दी शायद तो आई थिंक ऐसा हो जाए थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्या समझ में आता है जब मैं शमा की बात करता हूं शमा है सुहाना समय है समय नशे में जहां है नशा जो नशा हो गया तुम्हें मतलब ठीक है जब मैं इनकी बात करता हूं फैशन आइकॉन है लोग इंस्पायर होते हैं एक बहुत बड़े नंबर्स की फैन फॉलोइंग है आई थिंक शमा दादा मैं यार अब भी आता हूँ आई थिंक शमा के साथ अगर मुझे अगर नहीं मतलब जब भी मैं करूँगा तो इनकी चॉइस मुझे नहीं पता है ये क्या सोच रही हैं मैं सोचूंगा कि कुछ अच्छा रोमांटिक गाना हो और मीनिंगफुल गाना हो थॉटफुल गाना हो तो वो इनके साथ किया जाए तो उसमें मतलब इम्पैक्ट आएगा उसमें ज़्यादा सबको अच्छा लगेगा इनके फैंस को बहुत अच्छा लगेगा अरे इतने अच्छे इमोशनल सिंगर हैं लाइक आपका वो गाना सुन रहा है ना तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है आज भी जब उसका पहला सुर छिड़ता है तो मतलब यहाँ तक महसूस होता है तो वैसा कोई गाना अगर वो करेंगे तो मैं डेफिनेटली मतलब अभी तो टारगेट रख दिया मतलब बेंचमार्क सेट कर दिया मुझे नहीं पता वो कैसा होगा
अच्छा ही होगा यार, तुम बनाओगे तो अच्छा दिल से बनाऊंगा, ऑफ कोर्स दिल से ही बनाएगा। सो ऐसी बात जो दिल से बनती है वो फिर लोगों के दिलों तक जाती है, यू नो। थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कॉम्प्लीमेंट्स बाय द वे। थैंक यू, थैंक यू गाइस। एक फोटो, एक फोटो ले लो। हाय।